हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जिधर कदर भी होंगे। और मैं अभी जा रही हूँ फ्रिज साफ करने। तो मैंने सुबह से फ्रिज का प्लग जो है वो निकाल दिया था। पहले मैं फ्रिज खाली कर लेती हूँ। एक्चुअली इसके अंदर है फ्रोजन मटर, तो इसको मैं नहीं निकालती, पहले ये खराब हो जाएगा, इसको फ्रीजर में रहने देती हूँ। बाकी जो सामान है इस साइड में वो मेरा क्लीन है, तो इस साइड मुझे करने की जरूरत है नहीं। बस इस साइड से ना बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई है, तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ सबसे पहले से। तो यहाँ पर पहले मैंने पूरी फ्रिज को खाली कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फ्रिज मैंने सुबह से ही ऑफ कर रखा था स्विच इसका, तो इसलिए जितनी बर्फ़ है वो पिघल पिघल के निकल रही है और इसमें जमी हुई है बर्फ़। तो अभी आपको पता ही है कि टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कम है, तो अभी फ्रिजर के नीचे भी बर्फ़ जम जाती है। और फ्रिज तो हमारा सारा दिन दिन रात हम ऑन ही रहता है, लेकिन हमारी जो लाइट है वो अभी हमें डिस्टर्ब है। काम वाम चल रहा है तो दिन में लाइट नहीं रहती है, बस ना के बराबर रहती आती जाती है ऐसे करके। तो इसकी वजह से फ्रिज में से ना बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। आपको ये पता, अगर फ्रिज में साग सब्ज़ी हम लोग रखते हैं और फ्रिज कंटिन्यू ना चले तो उसमें वो ख़राब होने लगती है। तो इसमें काफ़ी दिन से ना मटर वटर कुछ ऐसे मटर वटर पड़ा हुआ था, उसका काफ़ी मतलब ख़राब सा हो रहा था। इसकी वजह से फ्रिज में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और मुझे साफ़ करना ना बहुत दिनों से ही था। मतलब मैं करीब 3-4 दिन से सोच रही थी आज करूँगी आज करूँगी, बस सोचती थी बस नहीं हो पाता था। तो यहाँ जब भी हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठते थे और मुझे कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती थी फ्रिज में से निकालने की, तो मैं निकालती थी, फिर उनको स्मेल आती थी, फिर वो चिल्लाने लगते थे, कहते थे तूने आज भी नहीं फ्रिज को साफ़ करा। तो मैंने सोचा चलो नहीं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करते, फ्रिज साफ़ कर ही लेते हैं, नहीं तो रोज़ डांट पड़ती है सच्चा है। तो इधर हैंडल के साइड जो गेट की साइड है इधर का मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगी उनको, ये जैसा है वैसे ही रहने दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ काम करके। तो अभी अगर इसको मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया ना मैंने, तो फिर शाम हो जाएगी मुझे नहाने में। तो मैंने सोचा बस फ्रिज जहाँ पर जिसे कि सच में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ को ही मैं साफ़ करूँगी। तो इसके ऊपर जो ये मैट रखती हूँ पहले इसको अच्छे से पोछ लूँगी। अब मैं बाल्टी में पानी लेकर आ गई हूँ और इसमें से इसी में कपड़े भिगो भिगो कर और निचोड़ कर मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अब देख सकते हैं सारी पॉलीथीन कैसे मैंने रख दिया, ऐसे मैं रखती ही नहीं हूँ ऐसे सब्ज़ी। मैं सब्ज़ी को अच्छे से स्टोर करके बॉक्स में रखती, बट अभी ना बॉक्स में किसी में साग है, किसी में रायता है, किसी में दही है, तो इसी की वजह से सारे बॉक्स तो मेरे ऐसे ही भरे हुए हैं। तो बस पोलोथीन लाती थी फ्रिज में रख देती थी, पोलोथीन लाती थी फ्रिज में रख देती थी, इसकी वजह से। और पोलोथीन में सब्ज़ियाँ ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। बकायदा हम अगर स्टोरेज बॉक्स में रखते हैं एक एक सब्ज़ी को धो के अच्छे से पानी उसका अच्छे से सुखा के, तो वो सब्ज़ी हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी स्टोरेज बॉक्स को खाली कर दूँगा, ऐसे ज़रूरत तो और स्टोरेज बॉक्स की है, बट अभी
बजट नहीं है कि मैं और स्टोरेज बॉक्स खरीदूं, इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, जितने हैं उसी से। तो चलिए कोई नहीं, है ना, कभी वो भी आ जाएगा। अभी जो है पहले उसको तो संभाल के रखें। तो जो भी जो बास्केट है जिसमें सब्जी रखते हैं, इसको मैं नल के नीचे धो के लाऊंगी। अभी ऊपर ऊपर से जितना यहाँ पे साफ़ हो रहा है उतना साफ़ करके जो जितने भी बॉक्स हैं सबको मैं अच्छे से इसमें जमाऊंगी। उसके बाद तो किसी भी काम में बहुत मेहनत हो जाती है यार, बहुत टाइम लग जाता है ना। देखिए इसके अंदर मैंने पालक का साग रख रखा है, तो ऐसे अगर आप पालक लाइए जैसे उसकी गड्डी बनी होती है पालक की, और आप ला के ऐसे फ्रिज में रख देंगे तो वो गल जाती है उसकी पत्तियाँ सारी। बट ये एक हफ्ते हो गए, एक हफ़्ता हो ही गया है मैंने पालक लाया था, और सबकी डंडियाँ मैंने तोड़ दी थी, क्योंकि मैं साग बनाती तो सिर्फ पत्ते की बनाती हूँ, डंडी नहीं डालती हूँ। सबकी डंडियाँ तोड़ के अच्छे से धो के उसका पानी जब अच्छे से चू गया था, तब मैंने इसके अंदर बॉक्स के अंदर दबा दबा कर रख दिया है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है थोड़ा थोड़ा मैं बनाती हूँ, है ना, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है पालक, तो 10 रुपये के दें कि तीन, वो तीन गड्डी बोलते हैं ना, 10 रुपये की तीन गड्डी इस तरीके से, या दो गड्डी, तो मैं वही ले आती हूँ। और मेरे घर में पालक सबको पसंद है, बाबू भी खाता है, हस्बैंड भी खाते हैं, और मेरा तो क्या है यार, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है, तो नहीं रख पा, नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। इसके अंदर मैंने रख रखी है क्या है, इमली है, नहीं यार इमली तो नहीं है, इसके अंदर क्या है पता नहीं, हाँ इसके अंदर फ्रूट है, अंगूर और केला है उसमें, इसमें है अदरक। और ये वाला बॉक्स ना बहुत जल्दी ख़राब हो गया, वो सही है चौकोर वाला, ये गोल वाला ना बहुत जल्दी ख़राब हो गया है, और इसके जो ढक्कन है ना वो भी टूट चुके हैं। तो एक तो का तो ढक्कन बिल्कुल चूर चूर हो गया है, तो उसको मैं गई थी अपनी बहन के यहाँ, तो उसी के यहाँ छोड़ कर आ गई। देख रहे, तभी ढक्कन इसका अपने आप ही खुल जाता है, और इसमें फिर फ्रिज का पानी चू चू के पूरा भर जाता है, तो अदरक में पानी चला गया। मुझे डर लग रहा है कहीं अदरक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसको सुखा कर रखा था। यहाँ पर मैं सूंघ के देख रही थी, इसमें है साग, अब साग ख़त्म ही हो चुका है, लास्ट है ये साग, तो मैंने इसको बड़े संभाल के रख रखा है। मैं वही देख रही थी चक्कर कहीं ख़राब ना हो जाए। इसके अंदर है दही, और इसके अंदर मैंने रखती हूँ ब्लू वाला ढक्कन है जिसमें, उसमें मलाई रखती हूँ दूध की, और ये नारियल है जिसकी आधी मैंने चटनी बनाई थी उस दिन, और सोच रही हूँ एक आध बार और होली से पहले बना लूँ सांभर, और इडली खाने का मन कर रहा है, देखती हूँ एक आध दिन बनाती हूँ। और ये है कड़ी वाली दही, आप भी सोच रहे होंगे कड़ी वाली दही, तो जो दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है उसको कड़ी के लिए रख लेते हैं। कटोरे में तिखाने वाली दही, एक में रायता था, और ऊपर बॉक्स में मैंने हरी मिर्च रखी है, और इधर क्या है क्या है, ये थोड़ा सा पपाया है, तो इसको भी मैं बीच बीच निकाल कर रख दूँगी, और इसको मैं बस ख़त्म कर दूँगा, काफ़ी दिन से ला कर रख रखा है मैंने। ये शिमला मिर्च है, थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था चाउमीन में, और अभी एक और हाफ शिमला मिर्च है। इधर गाजर जो कि सूख चुका है, सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी है फ्रिज में, और अब मैं यहाँ से जो पानी गिर गया था ना उसको मैं पोछ लेती हूँ। अभी पोछा नहीं लगाया, अभी झाड़ू नहीं लगाया, तो अभी पोछा कहाँ से लाऊंगी। बट अभी जो फ्रिज साफ किया था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी गिर गया था, तो फिर झाड़ू नहीं लगाने में नहीं आएगा ना, पानी गिरा रहेगा, तो उसी को अच्छे से मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। और एक गाजर मैंने अभी निकाला है, अभी जाऊँगी, अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं 12 बजे या 1 बजे तक जाऊंगी नीचे हस्बैंड को देने के लिए फल, जैसे गाजर, पपीता, केला, मिक्स करके उसी में अंगूर सब मिक्स करके कट करके उसी में दे आती हूँ, तो वो चाट मसाला डाल के तो वो खा लेते हैं। तो चलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़, और इन्जॉय करिए मेरा वीडियो। मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।